हरे कृष्णा गाइस, आपको आज मैं ले जाने वाली हूँ कुंभ के मेले में, जो कि वृंदावन में लगा है, आप सबको पता होगा। और अभी मैं जाने वाली हूँ। ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये है डी गेट। और यहाँ से ये वाला जो रास्ता जा रहा है, ये स्ट्रेट ये जा रहा है वृंदावन की ओर, जहाँ मैं जाने वाली हूँ। और रात का समय बहुत ज़्यादा हो गया है, 8 बज रहे थे, नहीं सॉरी 7 बजे मैं निकली हूँ यहाँ से। पता नहीं मैं दिखाई दे रही हूँ कि नहीं दे रही हूँ इतना अंधेरा, लाइट भी नहीं है इस साइड। चाहे भले ही थोड़ा सा टाइम हुआ हो, फिर भी यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है पता नहीं कितनी रात हो गई हो, सन्नाटा बिल्कुल। आपको पता है राधा कृष्ण के प्रेम की भूमि कहा जाता है वृंदावन को, तो जहाँ पे पग पग पे राधे राधे ही होती है, सारे लोग यही बोलते हैं। तो यहाँ पर ना 12 वर्ष बाद ही कुंभ का आयोजन किया जाता है। वैसे तो यहाँ जो कुंभ लगते हैं वो 4 ही जगह पे लगते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, हरिद्वार, नासिक, प्रयाग, उज्जैन। बट यहाँ पे वृंदावन में भी लगता है कुंभ का मेला हर 12 वर्ष बाद। तो इसकी मान्यता जो है वो मैं अभी बताऊंगी आपको। फिलहाल मैं आपको बता दूँ, ये 16 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है कुंभ का मेला वृंदावन में, और ये चलेगा आपका 29 मार्च। और उसके अलावा यहाँ पे बताना चाहूँगी कि कुंभ का जो मेला है उसमें बहुत सारे साधु संन्यासी देश विदेश बाहर के हर जगह से यहाँ पर आएंगे। ट्रैफिक तो इतना है कि पूछो ही मत। मेला टाइप का एक तरीके से मान लीजिए, प्रॉपर एक मेला लगाया जाता है। और वृंदावन में कुंभ के मेले जो लगा हुआ है, इसको ना वैष्णव कुंभ कहा जाता है। मान्यता ये है कि प्रेम भूमि वृंदावन में रसिक भाव से भगवान की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। ये एक वजह मान सकते हैं जिसके कारण कुंभ में शैव सन्यासी, जो शिव की आराधना करने वाले लोग होते हैं, वो नहीं आते। और 27 फरवरी को एक शाही स्नान हो चुका है, अब जो नेक्स्ट शाही स्नान है वो 9 मार्च को होने वाला है। 13 मार्च को होगा उसके बाद शाही स्नान, और उसके बाद शाही परिक्रमा लगाई जाएगी 25 मार्च को। गाइस इतनी भीड़ है ना इस टाइम भी, मुझे नहीं पता था इतनी भीड़ मिलेगी मुझे। अभी हो रहे हैं 8:05, आई अंदर जा भी पाऊंगी कि नहीं आ पाऊंगी, टाइमिंग का बड़ा इशू है यहाँ पे। यहाँ पता है कुंभ का जो मेला है, इसकी एक बहुत ज़्यादा मान्यता है। कहा जाता है जब समुद्र मंथन हुआ था उस टाइम पे गरुड़ जी उस कलश को, जो अमृत कलश था, उसको उठा के लेके उड़ के वृंदावन भूमि में आ गए, और कदम के पेड़ के ऊपर मतलब खुद बैठ के आराम करने लग गए। तो जो कलश सबसे पहले रखा था वो भूमि वृंदावन थी, वो अमृत कलश यहाँ पर रखा, उन्होंने विश्राम किया, और उसके बाद से वो फिर से उसे उठा के उड़ा के ले गए। तो जब वो बूंदे अमृत की गिरी जहाँ जहाँ रखा, तो पूरा का पूरा अमृत कलश वृंदावन भूमि में, और जहाँ जहाँ बूंदे गिरी थी अमृत की, तो वो जो 4 स्थान है वहाँ कुंभ का मेला लगाया जाता है आज भी, आपको सबको पता है। बट यही स्टोरी है एक कुंभ की जो वृंदावन में लगाया जा रहा है। और इस कुंभ में बहुत सारे आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ये देवराहा बाबा का जो मंदिर है उसी के नियर बाय बना हुआ है, और यमुना जी के किनारे बना है ये कुंभ, बहुत बड़े एरिया में बना है। यहाँ पे आपको झूले मिल जाएंगे, खाने की चीज़ें मिल जाएंगी, और यहाँ पर जगह जगह पर बड़े बड़े जो संत साधु सन्यासी लोग हैं उनके ना पंडाल सजे हुए हैं, जिनमें क्या है, दिन में स्नान आदि के बाद यहाँ पर श्री राम कथा हो गया, ये भागवत कथा हो गया, इन सब के ही पाठ किए जा रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर और भी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी, लाइक बोटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो आके, क्योंकि यमुना जी का किनारा। यमुना जी के किनारे लग रहा है ये कुंभ, बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है।
झूले लगे हुए हैं, बोटिंग कर सकते हो आप, यहाँ खाने की भी चीज़ें हैं आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा एक तरीके से प्रॉपर मेला लगा हुआ है, आप खुद देख सकते हैं। लाइटिंग वगैरह बहुत सुंदर है यहाँ की। और ये है देवराह बाबा का मंदिर। और इसके अलावा यहाँ जो पंडाल सजे हुए हैं उनमें कहीं कहीं श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित नाटकीय वर्णन किया जा रहा है, कुछ पंडालों में पेंटिंग्स वगैरह लगाई गई हैं। तो ऐसे करके अलग अलग तरीके से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं यहाँ पर। तो आप सभी से निवेदन यही है कि ये 12 साल बाद आता है कुंभ का मेला जो लगता है, 12 साल बाद लगता है वृंदावन में, तो एटलीस्ट एक बार तो उस भूमि पर ज़रूर जाइए, ज़रूर दर्शन कीजिए ऐसी भूमि के जहाँ पूरा का पूरा अमृत कलश ला के रख दिया गरुड़ जी ने। तो ये एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा पवित्र भूमि है, आप लोग आइए यहाँ पर। आप जब भी आओ तो टाइमिंग का ध्यान रखिए। ये देखिए इस तरीके की एक्टिविटी आपको मिल जाएंगी देखने के लिए। जगह जगह पे बहुत सारी एक्टिविटी देखने को मिल जाएंगी। और एक चीज़ दिखाऊं आप लोगों को, ये देखो कितने अच्छे से बैलेंस किया है छोटी सी बच्ची ने। मैं आपको बार बार यही बोलूँगी कि आप जब भी यहाँ आओ ना तो टाइमिंग का ज़रूर ध्यान रखना। और शाम को 4 बजे से लगना शुरू हो जाता है और 7 बजे तक प्रॉपर ठीक है, मतलब टाइमिंग इसकी 7-7.30 बजे तक। उसके बाद तो आपको, मतलब मैं आपको दिखा ही रही हूँ उसके बाद का सीन, भीड़ तो है, लोग भी आपको मिलेंगे, बट जो बाकी सारी चीज़ें हैं जैसे झूले हो गए ये सब आपको नाइट में बंद मिलेंगे। तो इस वजह से मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आप थोड़ा जल्दी आएंगे तो आपको और भी कई सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। बहुत ज़्यादा रात हो गई। ये जो देख रही हो आई थिंक भूतों वाला मंदिर है, मैं यहाँ जरूर जाके देखूंगी एक दिन। अब मुझे बहुत भूख लग रही है, यहाँ कुछ ना कुछ खाऊंगी अभी। अब मैं जा रही हूँ अपने घर वापस मथुरा, और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक से यही रिक्वेस्ट करूंगी, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो जिससे कि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए जो यहाँ नहीं आ पा रहे। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा।